गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे यूनिट रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपका ऑलरेडी टॉपिक चल रहा है और इसमें भी हम बात करने वाले हैं डोमेन, किसी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज निकालना। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे डोमेन और रेंज निकालने की बात, और उसके बाद हम बात करेंगे आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, मतलब दो फंक्शन को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, वो किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पर किसी फंक्शन की डोमेन, को डोमेन, और वैसे तो यहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो डोमेन और रेंज निकालने के लिए होंगे, लेकिन रेंज और को डोमेन में क्या डिफरेंस होता है हम ये भी यहाँ बताने वाले हैं। तो पहले हम मान लें कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x, y), ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, x एक y है सेट है और y एक दूसरा सेट है। तो इस केस में सेट x में जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे डोमेन कहलाते हैं, और सेट y में जो एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन बन रही है बच्चों कि इफ f सच दैट f(y) इज ए फंक्शन, देन द सेट x इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अब बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है। वैसे हम सेट जो हमने आपको चैप्टर बताया था उसमें हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ और डिफाइन कर दें। मान लीजिए ये x है और ये y है, एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन है f(x) = x+1। मान लो यहाँ नंबर है 1, 2, 3, तो ये x+1 से फंक्शन डिफाइन है, तो y में आ जाएगा 2, 1+1, 2, ये 2 की इमेज हो जाएगी 3 और ये 3 की हो जाएगी 4। तो बच्चों अगर हम यहाँ बात करेंगे डोमेन, तो डोमेन में यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3। अगर हम बच्चों बात करेंगे कोडोमेन, तो अभी हाल फिलहाल कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हैं, तो कोडोमेन यहाँ हो जाएगा 2, 3, 4 और रेंज भी हो जाएगी 2, 3, 4। तो अब कोडोमेन और रेंज, मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट 5 एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो अब इस केस में रेंज में वही एलिमेंट आते हैं जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज होती है, वो रेंज में आते हैं। और अगर हम इसकी कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन में 5 भी आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। और एक और बात बच्चों इम्पॉर्टेंट है कि x में, जैसे यहाँ पर y में एक एलिमेंट छूटा हुआ है, तो x में कोई एलिमेंट यहाँ छूटा नहीं हो सकता है, और अगर यहाँ पर x में कोई एलिमेंट छूटा है इसका मतलब वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने रेंज, डोमेन और कोडोमेन की आपके लिए बात कर ली है, और अब हम बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन पर। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन 1 है, फंक्शन हमें f(x) = दिया है 1/x+3। तो जब बच्चों फंक्शन p/q के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि नीचे किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए, कि अगर नीचे 0 आ गया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा। तो क्लियरली f(x) = 0, this implies x = -3, clearly function, given function f(x) is not defined as x = -3। तो यह फंक्शन x = -3 पर डिफाइन नहीं होगा, बाकी ये हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3। क्योंकि अगर हम x की जगह -3 रख देंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसकी डोमेन आ जाएगी
ऑल दी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस थ्री, और उसको लिखेंगे आर माइनस और माइनस थ्री। अब हम बच्चों इसकी रेंज की बात करें, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए एफ एक्स को वाई सपोज कर लें, लेट वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा एक्स की वैल्यू निकालें, तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन अपॉन वाई, एंड दिस इम्प्लाइड एक्स इक्वल टू वन अपॉन वाई माइनस थ्री, और वाई अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो ये आपको हो जाएगा वन माइनस थ्री वाई। तो अब अगर बच्चों हम देखें तो फिर से अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, तो उस केस में y इक्वल टू जीरो के लिए भी फंक्शन ये डिफाइन नहीं होगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। तो यहाँ इस तरीके से हम देख पाएंगे, यहाँ लिख दें हम पहले क्लियरली, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड at y equal to 0, therefore range equal to all the real values except 0। तो इस तरीके से बच्चों इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो r माइनस माइनस 3 और रेंज होगा r माइनस 0। बच्चों हमने यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन ले लिया है और आप देख रहे हैं कि फंक्शन है x माइनस वन अपॉन x माइनस थ्री, और इसके लिए हमें इसका डोमेन और रेंज दोनों देखने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें, अगर फंक्शन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डिनोमिनेटर किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर जिस पॉइंट पर जीरो आ जाता है डिनोमिनेटर तो वो वैल्यू डोमेन के अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ हम देखें तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइड x इक्वल टू थ्री, हम बोलेंगे क्लियरली फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू जीरो। फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, तो इसके लिए इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, डोमेन होगी बच्चों ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। तो ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, सिर्फ कौन सा रियल नंबर यहाँ नहीं होगा, थ्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि थ्री माइनस थ्री कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, और समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाता है। चलिए बच्चों अब हम इसकी रेंज के लिए बात करें, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए y मान लें, लेट y इक्वल टू x माइनस वन अपॉन x माइनस थ्री, और यहाँ से हम x माइनस थ्री इंटू y इक्वल टू x माइनस वन, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो x y माइनस थ्री y इक्वल टू x माइनस वन, x हम इधर ले लें, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस वन, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लें तो वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई प्लस वन अपॉन, चलिए अभी थ्री वाई प्लस वन लिख देते हैं, देन एक्स इक्वल टू हो जाएगा थ्री वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। और अब हम देखें तो नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए जीरो तो क्या होगा, y इक्वल टू वन आएगा, और y इक्वल टू वन पर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और उस केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम यहाँ कह देंगे देयरफोर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट y इक्वल टू वन, तो देयरफोर इसकी उस केस में रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, तो रेंज हो जाएगी ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेकेंड क्वेश्चन में भी जो फंक्शन दिया है उसके लिए डोमेन और रेंज यहाँ पर निकाल लिया है। चलिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर थ्री लिया है, और इसमें फंक्शन हमें अंडर रूट के फॉर्म में दिया है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली बच्चों आपको पहले से ही पता है कि अंडर रूट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स का निकल सकता है जो
पॉजिटिव नंबर्स हों, नेगेटिव नंबर्स का रियल स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इमेजनरी होता है, तो हम ये बोलें कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आता है। तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि 9 - x² हमेशा कैसा होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे For real function 9 - x² is greater or equal to 0, so 9 is greater or equal to x², that is x² is less than or equal to 9, then x is less than or equal to +-3। इसका मतलब बच्चों है कि x is belong to -3 to +3, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो बच्चों आ जाएगा -3 to +3। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो -3 से लेके +3 की वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अब अगर हम इसकी रेंज निकालने के लिए बात करें तो थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या करें, वाई सपोज कर लें। तो लेट y इक्वल टू अंडर रूट 9 - x² स्क्वायर कर दें, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 - x² एंड x² इक्वल टू 9 - y² एंड x इक्वल टू अंडर रूट 9 - y² एंड फॉर रियल फंक्शन is greater or equal to 0, that is ये इधर चला जाएगा, तो y square is less than or equal to 9 and y is, यहाँ पर जब बात करते हैं y की तो हम बोलेंगे कि 3 आ जाएगा, y is less than or equal to +-3, तो हम यहाँ बोलेंगे कि y belong to -3 to +3, but यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे बट अंडर रूट 9 - x² हमेशा कैसा होना चाहिए, इट ग्रेटर और इक्वल टू 0, इट ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट इज y इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट इज -3 से लेके और 0 के पहले तक की वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो रेंज होगा वो रेंज आपका आ जाएगा 0 to 3। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हटा देंगे और इस तरीके से यहाँ रेंज 0 to 3 आ जाएगा और डोमेन -3 to 3 होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, तो ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, साथ में MP 2018 एग्जाम में आ चुका है ये। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये फिर से आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में x/2x के फॉर्म में फंक्शन है, तो हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर x की कौन कौन सी वैल्यूज पर 0 होगा, वो वैल्यू हम निकाल देंगे रियल नंबर में से तो हमारा डोमेन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये 0 लेके चले, x²-8x+12=0, और देखते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए 0 होता है फंक्शन। तो यहाँ पर हम फैक्टर कर लें, x²-6x-2x+12=0, x कॉमन ले लें तो x-6-2 कॉमन ले लें तो x-6=0, x-6 अगेन कॉमन ले लें तो x-2=0 एंड x-6=0 और x-2=0 एंड दिस इम्प्लाइड x=6 और x=2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस डिनोमिनेटर की वैल्यू x=6 और x=2 पर 0 हो जाएगी, और जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे डिफाइन होगा, दिस फंक्शन डिफाइन फॉर ऑल द रियल नंबर x=6 and 2, तो चाहे तो हम इसको 2-6 लिख दें, तो बच्चों ये इसका डोमेन आ जाएगा और इसका डोमेन निकालना यहाँ बहुत आसान है।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है और इसमें फंक्शन हमें दिया है f x इक्वल टू 5 प्लस 4 cos x और हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो इस फंक्शन को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा जरा। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि cos x की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है। cos x is always lie between -1 and +1। अब हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर अरेंज करते ही चले तो जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू आएंगी वही रेंज हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ 4 cos x, तो इसका मतलब हम क्या करें, 4 का सब जगह मल्टीप्लाई कर दें तो -1 × 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 cos x इज लेस देन इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो × 4। -4 इज लेस देन इक्वल टू 4 cos x इज लेस देन और इक्वल टू 4। लेकिन 4 cos x के साथ में हमें क्या लाना है, प्लस का 5 लाना है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, प्लस 5 कर देंगे बच्चों। तो 5 प्लस कर दें तो 5 -4 इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4 cos x इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4 दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4 cos x क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, एफएक्स हो गया। दैट इज ये हो जाएगा 9। इसका मतलब इसकी रेंज जो आएगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 to 9 के बीच में होगी। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी -1 to 9। क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के साइन लगे हैं इसलिए हम यहाँ बिग ब्रैकेट लेंगे, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कब होता है, जब यहाँ इक्वल टू के साइन लगे हों, और यहाँ अगर इक्वल टू के साइन नहीं लगे होंगे तो वो ओपन इंटरवल होगा, उसको स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइप्स ऑफ इंटरवल्स हम आपको डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, सेट में, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है और यहाँ पर इसकी रेंज आ गई है -1 to 9। और ये क्वेश्चन कभी कभी ओटी फॉर्म में भी पूछा जाता है तो आप इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 6 इज ऑल्सो हियर इम्पॉर्टेंट एंड एफ एक्स इक्वल टू 11 - 7 साइन एक्स यहाँ पर दिया है और हमें इसका भी रेंज निकालना है। क्वेश्चन बच्चों आता रहता है फ्रिक्वेंटली एग्जाम में, सिंपल है, इम्पॉर्टेंट है दोनों तरीके से, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए और 1 मार्क्स के ओटी के लिए। कैसे करेंगे, बिल्कुल करने का तरीका सेम होगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अगेन हम यहाँ कहें कि वी नो दैट साइन एक्स इज लाइज बिटवीन -1 and +1। साइन एक्स की वैल्यू भी बच्चों -1 और +1 के बीच में होती है और फंक्शन को हम उसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करते चलेंगे जैसा हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ हमें चाहिए -7 साइन एक्स। यस, ये टेक्निकल बात यहाँ पर है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या अंतर पड़ेगा उस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में। वहाँ हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा था और वहाँ 4 पॉजिटिव था इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं आया था। लेकिन बच्चों अगर हम ऐसे केस में किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। -7 का मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं तो -7 × -1 अब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा -7 sin x और ये भी ग्रेटर और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा -7 × 1। तो बच्चों ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 is greater or equal to -7 sin x is greater or equal to -7। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, 11 यहाँ हमें प्लस का चाहिए तो हम सब जगह 11 प्लस कर दें तो 11 + 7 is greater or equal to 11 - 7 sin x is greater or equal to 11 - 7। तो दिस बिकम 17, 11 + 7 = 18 इज ग्रेटर इक्वल टू 11 - 7 sin x को हम यहाँ पर एफ एक्स लिख दें। अब इज ग्रेटर इक्वल टू 4। तो अब हम यहाँ देखें इसकी रेंज बच्चों फंक्शन की होगी 4 to 18।
और यहाँ बिग ब्रैकेट हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों जगह यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है, तो ये बिग ब्रैकेट इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका रेंज बच्चों 4 टू 18 होता है, जब फंक्शन हमारे पास 11 माइनस 7 साइन एक्स हो, तो इसका रिजल्ट भी आप ध्यान रखें कि बाई चांस अगर ओटी में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये डायरेक्ट आंसर लिख पाए। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, और यहाँ पर एफ एक्स अंडर रूट एक्स दिया है और जी एक्स टू एक्स माइनस 3 दिया है। यहाँ एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है, और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाते हैं कॉग और गॉफ, ये हम आपको पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कॉग और गॉफ निकालने के साथ साथ हमें उनके डोमेन भी बताना, ये यहाँ स्पेशल बात है कि एफ ओ जी ओ जी ओ एफ निकालने के साथ साथ हम इसके डोमेन की बात भी करेंगे। तो चलिए हम एफ ओ जी एक्स हमने बोला था, अगर एक्स नहीं लिखा है तो हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हुआ है जी एक्स है 2x-3, और यहाँ एफ एक्स जब यहाँ एक्स है तो अंडर रूट एक्स है, यहाँ एक्स की जगह लिखा है 2x-3, तो बच्चों ये आपका अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 2x-3, तो एफ ओ जी एक्स की वैल्यू तो अंडर रूट 2x-3 आ गई, अगर एफ ओ जी पूछा होता तो। लेकिन यहाँ साथ में हमें उसकी डोमेन भी स्पेसिफाई करनी है, बतानी है, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि बच्चों ये फंक्शन अंडर रूट में लिखा है, तो अंडर रूट में रियल फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, उस फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे फॉर रियल फंक्शन टू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, एंड दिस इम्प्लाइड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3/2, तो इसलिए बच्चों इसका डोमेन हो जाएगा, तो इस फंक्शन को रियल होने के लिए x की वैल्यू 3/2 या 3/2 से ऊपर होना जरूरी है, बड़ी होना जरूरी है, तो इसके लिए इसका डोमेन हो जाएगा 3/2 to ∞। 3/2 पर बिग ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, और इन्फिनिटी पर बच्चों कभी बिग ब्रैकेट नहीं लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर कभी हम पहुँच नहीं सकते हैं, तो इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, वहाँ हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करते हैं। और अभी हम बात करेंगे जी ओ एफ निकालने की, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अगर हम रखें तो कितनी है बच्चों, अंडर रूट एक्स, और जब जी एक्स है तो है 2x-3, जब यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स की जगह अगर हम अंडर रूट एक्स रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2√x-3। और अगेन बच्चों हमें ये जी ओ एफ निकला है, नो प्रॉब्लम, बट हमें इसका डोमेन भी देखना, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये पूरी की पूरी वैल्यू एक रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर के लिए हम देखेंगे कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होना जरूरी है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर रियल फंक्शन एक्स अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, रियल फंक्शन के लिए यहाँ पर एक्स का मान x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होना जरूरी है। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि इस फंक्शन के लिए जो डोमेन आएगा वो होगा 0 to ∞, 0 पर बिग ब्रैकेट आएगा और इन्फिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने फंक्शन के लिए, दिए हुए फंक्शन के लिए फॉग और गॉफ की वैल्यू निकालनी, साथ में उन फंक्शंस के लिए हमने उनका डोमेन भी स्पेसिफाई कर दिया। बच्चों अगला क्वेश्चन करने के पहले हम थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे। हम यहाँ अभी बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, हम मान लें कि हमारे पास एफ एंड जी आर रियल फंक्शन, ये दो रियल फंक्शन हैं, तो इन दोनों का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड
अगर हम करते हैं तो कैसे होगा, मान लीजिए प्लस के लिए बात करें तो एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। सेकेंड अगर हम माइनस की बात करें तो एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ इंटू के लिए बात करें तो एफ इंटू जी एक्स का मतलब यहाँ पर होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, और अगर हम डिवाइड के लिए बात करें तो एफ अपॉन जी एक्स इक्वल टू होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लेकिन बच्चों जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो अगर जी एक्स जीरो हुआ देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से बच्चों हम दो फंक्शन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाएंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे जिनमें इसी तरीके से ये रूल्स अप्लाई करते हुए और हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं और इसके लिए हमें दो फंक्शन दिए हैं, एफ एक्स यू टू दी पावर एक्स दिया है और जी एक्स लॉग एक्स दिया है। तो हमें ये चार पार्ट यहाँ पर करके बताने हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें करना है एफ प्लस जी वन, इसका मतलब होगा बच्चों एफ वन प्लस जी वन। और एफ वन एफ एक्स है यू टू दी पावर एक्स, तो एफ वन हो जाएगा यू टू दी पावर वन, और जी एक्स से लॉग एक्स तो हो जाएगा जी वन लॉग वन, लॉग वन बेस ई, और लॉग वन जीरो होता है बच्चों, ई पावर वन तो ई हो जाएगा, लॉग वन जीरो होता है तो यह आंसर निकल आएगा ई। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो एफ इंटू जी वन का मतलब होगा एफ वन इंटू जी वन, एफ वन हमारे पास हो जाएगा ई टू डी पावर वन और जी वन हो जाएगा लॉग वन, अगेन ई पावर वन ई और लॉग वन जीरो, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जीरो। अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें बच्चों तो एफ ओ जी वन, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात आ गई है यहाँ पर, तो हम जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करें यहाँ पर एफ ऑफ जी वन। तो एफ ऑफ जी वन की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हो जाएगी लॉग वन, एंड लॉग वन हमें मालूम है जीरो होता है तो ये हो जाएगा एफ जीरो, और एफ जीरो का मतलब ई पावर जीरो, और किसी भी नंबर का पावर जीरो हमेशा वन आता है। और अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो टू इंटू एफ वन इक्वल टू टू इंटू एफ वन, अगर यहाँ हम निकालें तो ये हो जाएगा ई टू द पावर वन, ये आपका बच्चों हो जाएगा टू ई। और इस तरीके से हम इसके चारों पार्ट कर लेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है इनको निकालना। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 अब ले रहे हैं और इसमें हमें दो फंक्शन एफ और जी दिए हैं, और ये बोला है एफ और जी फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर पर डिफाइन है, इसका मतलब उनका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। तो यहाँ पर एफ एक्स हमें दिया है वो है एक्स प्लस वन, और जी एफ फंक्शन जो हमें दिया है वो दिया है टू एक्स माइनस थ्री। और बच्चों हमें एफ प्लस जी एक्स सबसे पहले निकालना है, एफ प्लस जी एक्स, एक्स हमने बोला था अगर नहीं लगा है तो अपने आप लगा लेंगे, ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स एक्स प्लस वन जी एक्स टू एक्स माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू। यहाँ लिखते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर, नो प्रॉब्लम, यहाँ x की जगह कोई भी रियल वैल्यू हम रखेंगे तो एक हमें रियल वैल्यू ही मिलेगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ दूसरी बात करें तो सेकेंड में हमें निकालना है f माइनस जी एक्स, तो ये बच्चों हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, फंक्शन यहाँ पर x प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो आपको हो जाएगा 4 माइनस एच। और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बच्चों एवरी रियल नंबर के लिए आपका डिफाइन होगा फंक्शन, देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर इट इज डिफाइंड। एंड अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर है एफ अपॉन जी एच, एफ अपॉन जी एच दैट इज एफ एक्स अपॉन जी एच, तो यहाँ बच्चों एफ एक्स है हमारे पास एक्स प्लस वन और जी एक्स है टू एक्स माइनस थ्री,
तो यहाँ फ्रिक्वेंटली ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन पॉइंट पर ये डिफाइंड नहीं होगा जहाँ x की वैल्यू जीरो आ रही होगी। तो देखते हैं कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होगा। हम यहाँ बोलेंगे 2x minus 3 equal to 0, then 2x equal to 3, then x equal to 3 upon 2. That is, this function is not defined at the point x equal to 3 upon 2. So, हम यहाँ लिखेंगे for every real number except, यहाँ लिखते हैं x belong to every real number except 3 upon 2. ये बच्चों, ये function हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, और वो पॉइंट क्या है? 3 अपॉन 2। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्वेश्चन भी हर टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा दिए हैं। तो अब आप अपनी रेफरेंस बुक से ज़्यादा और क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करें, जिससे कि आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो पाए, और अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कर पाए। थैंक यू।